स्वरोजगार की दिशा में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वरोजगार दिवस का आयोजन किया गया है। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर से 9.52 लाख युवाओं को 6,081 करोड़ की ऋण स्वीकृति राशि एवं हित लाभों का वितरण किया। उन्होंने युवाओं को संबोधित किया तथा विभिन्न जिलों के युवा उद्यमियों व हितग्राहियों से संवाद स्थापित करते हुए उनके अनुभव साझा किए। कार्यक्रम को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने भी संबोधित किया। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का संजीव प्रसारण हुआ। जिला स्तरीय कार्यक्रम में 155.75 लाख रुपए की राशि के ऋण वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि अब रोजगार के मायने बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान पर नीतियों व नियमों में बदलाव से जहाँ एक ओर युवा स्वरोजगार स्थापना के लिए आगे आ रहे हैं, वहीं विश्व का सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट भी देश में आ रहा है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि स्वरोजगार स्थापना में महिलाएं आगे आ रही हैं, जो यह प्रदर्शित करता है कि हमारे देश की मातृशक्ति किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने रीवा जिले को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में गत 2 वर्षों से प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रशासन, विभागीय अधिकारियों व बैंकर्स को बधाई दी। उन्होंने जिले के युवाओं से स्वरोजगार स्थापित कर देश के विकास में सहभागी बनने का आह्वान किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि शासन ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाओं व कार्यक्रम संचालित किए हैं, जिनका लाभ लेकर युवा आत्मनिर्भर हो रहे हैं। उन्होंने रीवा जिले में 4,443 हितग्राहियों को 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि के ऋण स्वीकृति को बड़ी उपलब्धि बताया तथा कहा कि जिले में लगभग 5,000 छोटी बड़ी यूनिटों में 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। श्री शुक्ला ने विश्वास व्यक्त किया कि छोटे व मध्यम उद्योगों का जाल बिछाकर रीवा आदर्श जिला बनेगा, जहां हरित उद्यम व पर्यटन क्रांति का समावेश होगा और जिला समृद्धशाली जिले के तौर पर अपना नाम स्थापित करेगा।